नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आपके केवीएस जीएससी का एग्जाम हो चुका है। अब जो सेकेंड स्टेज है आपका, जिसमें टाइपिंग और सीपीटी आपका जो एक एक स्किल टेस्ट होने वाला है, उसमें बच्चों को कई क्वेरी हैं, क्वेश्चंस हैं, उसी क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। और अभी आंसर की नहीं आई है, जैसे ही आंसर की आ जाता है तो हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देंगे। लेकिन जो अभी आपको तैयार करना है, जो लग रहा है पेपर देने दे के आने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं मेरे 90 प्लस बन रहे हैं, मैं सेफ साइड में हूँ टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए, तो उनके लिए चीज जरूरी इन्फॉर्मेशन है, वो अपनी तैयारी इसके बिहाफ पर जारी रखें, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न एक बन रहा है बच्चों में, वो आपका बन रहा है कि जो सीपीटी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है, जिसको स्किल टेस्ट बोला जा रहा है, ये इसका जो है पेपर कैसा आएगा, मतलब इसमें क्या करना होगा, एक प्रश्न ये है आपका। दूसरा जो बन रहा है कि बच्चे फोन करके पूछ रहे हैं कि सर जो टाइपिंग होगी इंग्लिश और हिंदी में, क्या दोनों टाइपिंग देना जरूरी है। और तीसरा जो प्रश्न आपका है कि हिंदी की अगर टाइपिंग देना है तो उसके लिए फॉन्ट कौन सा होगा, ये तीन प्रश्न है। इसके अलावा भी अगर यदि आपके कोई प्रश्न है जो आपको तंग कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, पूरी कोशिश रहेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो अभी जो पहला आपका प्रश्न है कि सीपीटी स्किल टेस्ट में आपका कैसा होगा, तो सबसे पहली बात कि आपको कोई भी वहां पर, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कई जगह बता रहे हैं वर्ड में काम कराया जाएगा, प्रैक्टिकली होगा, एक्सेल में काम कराया जाएगा, एसएस में काम कराया जाएगा, इसका चांसेस एकदम कम है, इसका चांसेस आपका बहुत ही कम है कि इस प्रकार का सीपीटी होगा। क्योंकि अगर हम केवीएस की वेबसाइट पर जाएं और देखें तो सीपीटी के बारे में तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं यहां पर, थोड़ा सा प्रत्यक्ष रूप से ही हम दिखा देते हैं। यहां पर देखो मेरे पास एक लिंक है, देखो मॉक लिंक फॉर द स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। अब जब हम इस पे पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास एक पीडीएफ डाउनलोड होके ये ओपन हो रही है पीडीएफ। यहां साफ साफ दिखा है मॉक सीपीटी एमसीक्यू दिख रहा है, एमसीक्यू का एक लिंक दिया है असाइनमेंट का, सीपीटी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, स्टेनो और इंग्लिश, तो इस प्रकार की चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको जब भी आपको ये इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखाते हैं कि क्या खुलेगा और आपका सीपीटी कैसा होगा। टाइपिंग तो आपका जैसे होता है वैसे होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस पर आप क्लिक किए, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग लिंक के थ्रू देख सकते हो। अच्छा, इसको हटाते हैं और इस लिंक पे कॉपी कर लेते हैं इस लिंक को, फिर हम लोग खोलते हैं, ठीक है। कॉपी करके हम लोग इस लिंक को खोलते हैं, इसी पर न्यू टैब में जाके इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या खुलता है। देखो एक ऐसे डेमो प्रकार का आपका खुल जाएगा कि कैसा आपका सीपीटी टेस्ट होगा। तो जब आप इसको खोलोगे तो यहां कैंडिडेट का नाम होगा, जैसे आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देकर आए हो सेम वैसे ही है, ठीक है। सेम आपका कहीं ना कहीं कंडीशन वैसे ही आपका बनेगा, यहां पे सिस्टम नंबर रहेगा, साइन इन करोगे ऐसे, ठीक है, साइन इन करोगे, ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने आएगा सीपीटी का कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन होगा, ये पूरा इंस्ट्रक्शन आएगा। पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्शन को आप लोग नेक्स्ट करोगे, यहां पर इस पर नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद लैंग्वेज आएगा, चूज डिफॉल्ट लैंग्वेज, आप पेपर का लैंग्वेज किसमें चूज करना चाहते हो, आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन, आई एम रेडी टू बिगेन, यहां पर जैसे आप करोगे, जैसे ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है वैसे आगे आपका जो खुल के आ रहा है उसको आप लोग देखिए कि आपका जो सीपीटी होगा वो कोई प्रैक्टिकल प्रकार का नहीं होगा, ये एक एमसीक्यू बेस्ड होगा। कैसा होगा बच्चों, एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 40 मार्क्स आपको लाना जरूरी होगा, निगेटिव कोई जरूरी नहीं है इसमें। अब यहां पर खुल के आ गया, यहां देखो एमएस वर्ड लिखा हुआ है आपका, यहां पर एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस और इंटरनेट,
यही आपके टॉपिक हैं, जो स्किल टेस्ट है उसका जो सिलेबस है उसमें आपका दो दो चार ये पांच टॉपिक है, इन्हीं पांच टॉपिक से 50 क्वेश्चन आएंगे। पांच टॉपिक से 50 क्वेश्चन, ये भी हो सकता है कि एक एक टॉपिक से 10 10 क्वेश्चन हो, लेकिन ये जो डेमो दिया गया है एक प्रकार का, ये डेमो है पुराना, ठीक है, लेकिन इसी बिहाफ पे होगा। तो यहां पे जो वर्ड से क्वेश्चन आया है ना, एमएस वर्ड से क्वेश्चन जो है वो आपके 25 क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल से है तो ऐसे भी हो सकता है, एमएस एक्सेल से आपके 10 क्वेश्चन है, पावर पॉइंट से जो आपके 5 क्वेश्चन है, एसएस से आपके जो है वो आपके 5 क्वेश्चन है, और इंटरनेट से आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आप देखो कि 15, ये 10, 25, 25, 25, 50 क्वेश्चन हो गए, और ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, मतलब इच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होगा यहां पर। तो इसे ध्यान रखो, जैसे जैसे कर रहे हैं हम यहां पर, इसको नोट कर लिए। अरे देखो, एक्सेल एक्सेल किए तो 10 क्वेश्चन आ रहा है, पावर पॉइंट किए तो यहां पे 5 क्वेश्चन आ रहा है, एसएस किए तो 5 क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट किए तो 5 क्वेश्चन आ रहा है। सब में क्वेश्चन ये मत करना कि सर जी ये बेकार है, सब में तो क्वेश्चन एक ही लोड हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, ये एक आपका क्या है, डेमो है, उसमें क्वेश्चन उसने लिखा नहीं, डेमो है। यहां पर देखो सीपीटी, ऐसे ही जो टाइपिंग टेस्ट वाला होगा ना, तो यहां पे आपका सीपीटी स्किल टेस्ट होगा, और यहीं पर आपका टाइपिंग टेस्ट का आइकन बना रहेगा, यहीं पर टाइपिंग टेस्ट का बना रहेगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे मैटर आ जाएगा, आप टाइप भी करने लगोगे, तो ऐसे होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है पहले आपका सीपीटी हो फिर टाइपिंग हो, या फिर टाइपिंग हो सीपीटी हो, एक ही पैनल जो खुलेगा उसी में आपको सब कुछ करना है, ठीक है, जो डेमो बताया गया है, देखा गया है लिंक में, उसी के थ्रू मैं बता रहा हूं ये चीजें, ठीक। तो ये समस्या आपको दूर हो गई कि इसमें आपका जो भी होगा, जो सीपीटी होगा, बच्चों एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जो आपकी सीपीटी होगी वो आपका क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 50 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर से। अब बच्चों का एक सर तैयारी कहां से करें, देखो तैयारी जो बच्चे हमसे एडमिशन लिए थे हमारे बैच में, पेड ग्रुप में, हमारे जेएससी के पेड ग्रुप में, आप उनको सब कुछ पढ़ा दिया गया, वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल पढ़ा दिया गया, जितना पूछ रहा है। एमएस एसएस की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, एमएस एसएस की वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, इसके जो क्वेश्चन होंगे मैं लाइव करा दूंगा, इसके जो एमसीक्यू होंगे वो लाइव करा दूंगा, और इंटरनेट इंटरनेट भी आपको दिया गया, सिर्फ MSSS नहीं है वो, मैं अपलोड कर, इंटरनेट भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके भी MCQs में करा दूंगा, बाकी सभी के आपके पेड क्लास में, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके सीपीटी में, तो वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी टाइपिंग का जो आप प्रश्न बनता है आपका, चलो आ जाते हैं कि सर टाइपिंग आपका इंग्लिश या हिंदी में, क्या दोनों टाइपिंग होगी या एक होगी, तो जिसमें आपको टाइपिंग आती है इसमें दोनों टाइपिंग नहीं करनी है, बार बार सुन लो, एक ही प्रश्न पूछते रहते हो, कोई एक, ओनली वन टाइपिंग आपको करनी है, आपको या तो इंग्लिश कर लो या आप हिंदी कर लो, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक टाइपिंग करनी है, दोनों नहीं करनी है। आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश टाइपिंग करो, हिंदी टाइपिंग आती है तो हिंदी टाइपिंग करो। हाँ, जिनको हिंदी आती है तो हिंदी तो फॉन्ट में टाइप होता है, हिंदी किसी ना किसी फॉन्ट में होता है, इंग्लिश का कोई फॉन्ट नहीं होता है, इंग्लिश जो खोल के दे दिया जाएगा, टाइप करोगे वही माना जाएगा, हिंदी की फॉन्ट जैसे कृति देव होता है, ठीक है, तो उसमें करना है या कोई और रेंगमेंटन गेल है, तो आपको यहां पे जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट आपका क्या चलेगा, मंगल इंस्क्रिप्ट चलेगा, मंगल इंस्क्रिप्ट चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, मंगल इंस्क्रिप्ट पे आप टाइपिंग कर सकते हो, जिनको मंगल, और मैक्सिमम लोगों को मंगल आती है, ये आपका क्लियर हो गया। तो टाइपिंग फॉन्ट भी हो गया, दोनों टाइपिंग नहीं करनी है, जिसको जो टाइपिंग आती है वही टाइपिंग करेगा, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक टाइपिंग करनी है, एमसीक्यू बोस्ड होगा आपका सीपीटी, उसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका हो सकता है कि सभी पार्ट से 10 10 क्वेश्चन हो, या जैसे मैंने बताया कि एमएस वर्ड से 25, एक्सेल से 10, पावर पॉइंट से 5, एसएस से 5, इंटरनेट से 5, ऐसे आपके प्रोफॉर्म से क्वेश्चन बनेंगे।
जितना मैंने आपको पढ़ा दिया पेड क्लास में उतना आपके लिए सफिशियंट है, जो नहीं आपका वो अपलोड कर दिया जाएगा। और जो बच्चे नए हैं, कहीं अभी हमसे नहीं जुड़ पाए थे, वो कह रहे हैं कि सर हम सीपीटी के लिए क्या करें आखिर, तो उनके लिए आप जितने बच्चे अगर नए हो तो आप जितने भी लोग नए हो वो 9450006007 पे व्हाट्सअप करें। उनके लिए मैं देखूंगा जितने बच्चे होंगे, तो हो सकता है मैं वीओडी बैच, कंप्यूटर का जो वीओडी बैच होगा वो उन्हीं में से निकाल के उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, एक मिनिमम शुल्क पे, मिनिमम प्राइस पे, जो भी होगा मिनिमम प्राइस पे मैं वीओडी निकाल दूंगा। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, कि सर हमें चाहिए, तो आपको जो भी हेल्प होगा हम पूरी हेल्प करेंगे, कुछ लाइव सेशन भी कराएंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका जो सीपीटी का 40 क्वेश्चन करना है 100 में से, वो आसानी से आप कर ले जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है आपको 100 मार्क्स में आपको 40 मार्क्स लाना है, 50 क्वेश्चन में आपको कितने सही करने हैं, आपको ऑलमोस्ट इसका मान के चलो कि 25 का टारगेट रखो कि मुझे 25 क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है, तभी 50 नंबर होगा, एक दो गलत हो गया तो कहीं ना कहीं आपका पास हो जाओगे, तो ये टारगेट हमारा होना चाहिए। तो जिसे भी जरूरत है कि भाई नहीं जुड़े थे हमारे पेड कोर्स से, तो आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लो, मुझे व्हाट्सअप करो, फोन करो, जो भी होगा वो मिनिमम प्राइस पे मैं वीओडी बैच खासकर कंप्यूटर का लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई समस्या होती है आपको जेएसएस से रिकॉर्डिंग, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, जैसे ही आपकी आंसर की आती है, आंसर की चेक करने के बाद आपको फॉर्म फिल कराया जाएगा और एक सही कट ऑफ बताया जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन जितने बच्चे 85 से प्लस हैं, कहीं ना कहीं स्कोर किए हैं, वो सभी कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेज की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। बाकी जो भी होगा वो आपके आंसर की आने से पता चलेगा कि कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मैथ जो था वो मॉडरेट टू टफ आ रहा था। तो चलिए, मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।